प्यार बात नहीं करता तुमसे, तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, बेचैनी सी महसूस होती है उसे। वो तुमसे अपने दिल की बात कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में। यदि बार बार आपका पति, आपका पार्टनर, आपका प्रेमी आपसे ये कहे कि अब मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, सोचो किसी महिला के सामने ये सिचुएशन आ जाए, उसका पति उस पर क्रोध ना करे, झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे, तुम्हें गालियां ना दे, तुम्हें कोई परेशानी बना दे, बस वो शांति से अपने मन की बात तुमसे कहे कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पता नहीं क्यों मैं बेचैन हो जाता हूँ, मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे आज़ादी दे दो, फिर क्या करोगे? वह सताए तो तुम परेशान हो, तुम उससे बदला लो, वो तुम्हें परेशान करे तो तुम उससे परेशान करो। जब वो तुमसे परेशान हो जाए, अर्थात तुम्हारे ग्रह अब उसके ग्रहों के साथ बिल्कुल टैली नहीं कर रहे, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, इस बात को समझ लो, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे बकाहट सी हो रही है, उसका दम घुट रहा है इस रिश्ते में, अब वो इससे बाहर निकलना चाह रहा है, वो बार बार तुमसे ये भी कहता है मैं कहीं दूर चला जाऊंगा अचानक से, तुम खो दोगी मुझे, किसी दिन तुम उठोगी सोकर, मैं नहीं मिलूंगा, मैं सबसे दूर चला जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, तुम शांति से रहना, मैं कहीं चला जाऊंगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ ये बात, ये मिलाकर तीन मुझे ये आ चुके हैं मैसेजेस, तीन ईमेल आ गए हैं कि मेरे पति अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, केवल मुझसे उसे परेशानी है और मेरे कारण वो बिल्कुल दुनिया छोड़ने की बातें करता है, मैं क्या करूँ? ये बड़ी बुरी समस्या है। यदि वो झगड़ा करे ना तो ठीक है, वो लड़ रहा है तुम भी लड़ो, एक दिन बैठकर बातें हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि वो तुम्हें सता रहा है तो तुम उसको सता सकती हो या तुम उसे छोड़ने का तुम्हारे पास कारण है, लेकिन जब वो खुद ही बहुत परेशान हो गया इस रिश्ते से तब तुम कैसे मामला सुधारोगी? मैं कहती हूँ तुम स्त्री हो, तुम शक्ति हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम धैर्य रखना, तुम धरती के समान धैर्य रख सकती हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगी? शांति से जीने दोगी उसे और उसके जीवन से छोड़कर तुम चले जाओगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो चलो अकेले अपना जीवन फिर भी कहीं काट लोगी, तुम्हारे साथ जो ये छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उसका क्या होगा? क्या केवल माँ उसके लिए काफी होगी? पिता भी तो चाहिए। तो पति के इस मानसिक अवस्था को कैसे ठीक करोगी? कैसे उसके ग्रहों को फिर से समरूप बनाओगी? कैसे उसे गृहस्थ जीवन में फिर से लाओगी? एक समस्या तो एक ये हो गई और दूसरी समस्या है कि निरस्ता आ गई है पति में, वो रहता है मेरे साथ, वो छोड़ने की भी बात नहीं कर रहा है, परंतु अब वो मैं और वो केवल पति पत्नी नाम के रह गए, हम लोग अलग हो गए, न लव रह गया है लाइफ में, न रोमांस रह गया। बात समझ में आ गई? तुम दोनों एक दो मित्र की तरह एक घर में रहती हो, परंतु अब तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम्हारे पास नहीं आता, यह भी औरत के लिए बड़ी पीड़ादायक चीज़ है। तुम सिर्फ भोजन करती हो, वस्त्र पहनती हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हो, घर का काम करती हो, तुम्हारी इच्छा पति का प्यार पाने की है और वो अब तुम्हें नहीं मिल पा रहा, ना पति को ज़रूरत है और ना तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात मानकर चलो कि तुम्हारा भी शुक्र बहुत कमज़ोर हो गया है और पति का शुक्र तो नीच का हो गया, तभी तुम दोनों के बीच अब सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो तुम्हारा जीवन भी निराश हो गया। तुम इधर उधर फोन करके मायके अपने सहेलियों को अपना मन लगाती हो, कभी रोती हो, किसी नए जोड़े को देखती हो घूमते फिरते, लव रोमांस करते तो तुम्हारा दिल दुखता है। तुम अपनी पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखती हो जब तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, घूमने गई थी तुम बाहर कहीं। यह स्थिति भी बहुत पीड़ादायक है, यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि पत्नी यह बात जनरली किसी से कह नहीं सकती, क्या कहें किसी से, और जब तुम्हारे बच्चे हैं, गृहस्थ जीवन चल रहा है, फिर ये बात किसी से कैसे कहें कि तुम्हारा पति अब तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। तो चलो इस सिचुएशन को, बेडरूम के अंदर की इस बात को बेडरूम के अंदर ही सुलझाते हैं। गुप्त स्थान पर तुम दो काम कर लेना केवल, और ये गुप्त बात हमेशा के लिए गुप्त ही रह जाएगी और खत्म हो जाएगी। वही पति तो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएगा पहले जैसे, नई नई शादी हुई थी तो दीवाना था ना वो तुम्हारा, वैसे ही दीवाना हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारा प्रेमी की तरह हो जाएगा, यकीन ना हो तो करके देख लो, जान लीजिए कसम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। तुम स्नान करने जाती हो, हर दिन स्नान करती हो, देखो तुम 6 लाल कैंडल ले आना और ऐसे 6-6 का कम से कम 3 बंच, यानी तुम्हें 18 लाल रंग की मोमबत्ती चाहिए। तुम्हें गुलाब का इत्र चाहिए, थोड़ा सा अरवा चावल और थोड़ी सी चीनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार को, माह के शुक्रवार को ही चुनना, और यह बात किसी से मत कहना, 3 लाल कैंडल लेकर बाथरूम में जाना और बाथरूम के 3 अलग अलग जगह पर लाल कैंडल रख देना। अभी जलाना मत उसे। नहाने के पानी की जो बाल्टी तुम भरोगी उसमें थोड़ा सा अरवा चावल और थोड़ी सी चीनी डाल देना और घोल देना उसे। चीनी तो मिल जाएगी, चावल के कुछ दाने दिखेंगे, बहुत कम दाने डालना, 7, 9, 11 दाने ही डालना। केवल ग्रहों को ध्यान में रखकर लिया गया है ये बात। गुलाब का इत्र थोड़ा सा इस जल में डाल देना। जैसे तुम स्नान करने जाओ अपने पति को बड़े प्रेम से याद करना। देखो मैं तुमको जो बता रही हूँ तुम समझना, क्योंकि महिलाओं के लिए यह प्रयोग है, पुरुष के लिए नहीं है यह प्रयोग। तुम अपने पति के प्यार को महसूस करना, जैसे लव से भर देना इस कमरे को। ये बाथरूम में तुम स्नान करने आई हो, सब प्रेममय कर देना। तुम बहुत रोमांटिक होना, अच्छा सोचना, जैसे शुक्र हमारा बहुत मजबूत हो जाता है, फील करना बहुत अच्छा, जिससे तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, तुम भीतर से बहुत खुश हो जाओ, ऐसा महसूस करना। और 3 लाल मोमबत्ती को जला देना। लाल कैंडल जलाकर ही तुम आज स्नान करना, इसी पानी से तुम स्नान करना। स्नान करते वक्त अपने नाभि को बहुत अच्छे से साफ करना, बहुत प्रेम से उस स्थान को साफ करना और सर से पानी डालकर नहा लेना। स्नान करने के बाद तुम मेकअप लेना, अच्छे से तैयार होना, सिंदूर लगाती हूँ, भर मांग सिंदूर लगाना, परफ्यूम जरूर लगाना और गुलाब के इत्र को अपनी नाभि पर लगाना, आज ही दिन, शुक्रवार के दिन ही। यदि तुम ससुराल में ही रह रही हो, पति के साथ रह रही हो, सर्वोत्तम सर्वोत्तम आज बेड पर सफ़ेद चादर बिछाना शुक्रवार के दिन। तुम्हारा पति रूठा हो, नहीं बात करता हो, तुमसे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ देना। तुम एक प्रयोग कर रही हो, अपने प्रयोग में हमेशा अपने पति को मस्तिष्क में लेकर चलना, आज सब कुछ ठीक है, वह मेरे साथ है। सुबह से ऐसे रोमांटिक रहना, अच्छा सोचना, मीठा सोचना, शुक्र को हाई लेवल पर रखना। रात को जब सोने जाओ तो नाभि पर तुमने गुलाब का इत्र पहले ही लगा रखा है, रात को जब सोने जाओ तो हाथ पैर मुंह अच्छे से धोना, मन को बहुत शांत रखना, सफ़ेद चादर बिछाना बेडरूम में, कोई भी गंदगी, कूड़ा, पुराने डब्बा, ढक्कन, कोई घड़ी खराब, टूटी फूटी चप्पल, कुछ भी तुम्हें अगर लग रहा है ऐसा कि कोई कबाड़ का रूप ले रहा है, यानी शनि का रूप ले रहा है, उसे कमरे से तुरंत भाग निकालना। जो भी लाल चीज़ें हैं कमरे में, लाल फूल का गुलदस्ता, लाल कोई तस्वीर, लाल चादर, उसे कमरे से बाहर निकाल देना, सब बाहर निकालो, सब मंगल के सूचक हैं। लाल रंग के होते हैं ना लव रोमांस के लिए, कोई लाल रंग का दिल टांग रखा है कमरे में, तो कोई लाल पंछियों का जोड़ा लगा रखा है, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ बताते रहते हैं, सब चीज़ों को कमरे से बाहर निकाल देना। स्वच्छ सफ़ेद चादर बिछाना, 3 लाल कैंडल आज कमरे के 3 कोने में रख देना। कॉर्नर संभव ना हो, तुम्हारा बेडरूम कैसा है, सामान है पता नहीं, तो 3 अलग अलग जगह पर रख देना और उसे जला देना सोते वक्त। पति सवाल पूछे तो कुछ भी कह देना, बड़ा मन हो रहा मोमबत्ती जलाकर सोने का, 3 लाल कैंडल जलाकर आराम से सोना। ये सारी क्रियाएं अगले शुक्रवार को भी दोहराई जाएगी और ये सारी क्रियाएं अगले शुक्रवार को भी दोहराई जाएगी, यानी कि 3 शुक्रवार लगातार ये करना। तुम ऐसे ही स्नान करना, 3 कैंडल जला के, मैंने कहा था ना कि 18 लाल मोमबत्ती लेकर आना, 6 आज तुमने जला दिए, छोटी छोटी भी जला सकती हो, 6 आज तुमने जला दिए, 6 तुमने अगले शुक्रवार को जला दिया और 6 अगले शुक्रवार को। तुम केवल इतना करना, 3 शुक्रवार करते करते कैसे नीरसता खत्म हो जाएगी तुम्हारे पति की, तुम हैरान रह जाओगी। यदि प्रथम शुक्रवार ही खत्म हो जाए, वो फिर से तुम्हारे पास आने लगे, वो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फिर भी यह प्रक्रिया मत छोड़ना।
तीनों शुक्रवार करते रहना, तुम डूब जाओगी प्रेम में। इतना प्यार करने लगेगा वो तुमसे कि तुम हैरान रह जाओगे कि शादी के इतने साल के बाद बच्चे हैं हमारे इतने, और ये तो प्रेमी की तरह प्रेम करता है। तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे इंतज़ार करेगा घंटों। तुम यकीन नहीं करोगी क्या अद्भुत चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। तो अवश्य करो और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करो। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी बरकरार रहे, हमेशा साथ रहो और प्रेम से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।